लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो मैं इसमें पहले घी डालूँगी, कढ़ाई रख ली हूँ, गर्म हो गया है। तो मैं इसमें घी डालूँगी 1 चम्मच, देख सकते हैं ना। और यहाँ मैं गाजर को घास घास करके रखी थी धूप में थोड़ा सा, कि इसमें का जो पानी है थोड़ा सूख जाएगा तो अच्छा बनेगा, वो अच्छा ऐसे ही रहेगा खड़ा खड़ा। तो फाइनली मेरा ये तो तेल गरम हो गया है, घी जो इसमें मैं घी डाली थी वो अब गरम हो गया है। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ गाजर को। इसको भी 10 मिनट तक भूनूंगी, भून करके इसको मैं ब्राउन करूंगी। ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें यहाँ मलाई दूध को फाड़ करके डालने के लिए खोआ, और इसमें ये है मखाना है, ये जो होता है नारियल गड़ी, गड़ी को मैं घस करके रखी हूँ। इधर है छोड़ा, इधर किशमिश, इधर पिस्ता, और दूध भी डालूँगी इसमें। तो फाइनली मेरा गाजर भुना गया है, देख सकते हैं ना, ब्राउन हो गया ये। तो मैं इसमें डालूंगी ये जो रखी हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो उसको इसमें मैं डालूंगी डाल करके और मिक्स करूंगी मैं इसमें। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ दूध। तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप लोग कितना हलवा बना रहे हैं, कम बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा दूध डालिएगा, कम बना रहे हैं तो कम डालिएगा। मैं कम बना रही हूँ तो इसीलिए मैं 1/2 kg दूध डाल रही हूँ। 1/2 kg गाजर था। ये कब डालेंगे? उसके बाद से मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी डाल करके जो खोआ रखी है अभी नहीं डालूंगी इसको। ये पक जाएगा, 10 मिनट तक पकेगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो खोआ रखी है। ढक करके मैं इसको पकाऊंगी 10 मिनट तक। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ जो खोआ फाड़ करके रखी थी, तो मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ, डाल करके मिक्स करूँगी। खोआ डाल करके बनता है तो बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा देर तक और पकाएंगे इसको, उसके बाद तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग मेरा हलवा बन करके रेडी हो गया है, कितना टेस्टी बना है देख सकते हैं ना। इसके आगे मिठाई भी फेल है, इतना टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, एकदम सिंपल साधारण तरीका है बनाने का, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। तो चलिए आप लोग से हम लोग खा करके बता रहे हैं टेस्ट। आज हम लोग गाजर का हलवा टेस्ट करके आप लोगों को बता रहे हैं कि इस स्वाद में कैसा लग रहा है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए।
कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी हुआ है, मिठाई भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। इसके आगे मिठाई भी फेल है, इतना टेस्टी लगता है। तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय बाय।